जब ऊपर पहुंच जाओगे खुशी का होगा एहसास, और भोसड़ी के तो बिना बात में रोता है। क्या बात है भैया। और उनके पास झटका बात। एक और बनाते हैं, ये मजा आ रहा है। यहाँ पे एमचो ऐसा भी होता है क्या कि दुखना हो? पहली बार ऐसा फील हुआ है। आज नोट कर यार, यहाँ पे ये लगा हुआ है गार्ड सर। इधर नहीं लगा हुआ, इधर अंदर सब दिख रहा है। तो भाई ट्रेनिंग खत्म हो गई है और मैं जा रहा हूँ घर। ट्रेनिंग क्या ही होगी बैठ के, तो तीन तरह की एक्सरसाइज हुई। फिर ऐसा लगा एकदम बॉडी डुप मार रही है, कुछ खा पी नहीं रखा था ना, जोश में गया था। तो आज ये सीख मिलती है कि जोश जोश में अपनी बकचोदी मत करो ट्रेनिंग की, 3-4 मील खाओ उसके बाद ही जाओ अगर पर्पस वेट उठाना है। और अभी क्या करूं यार, अभी मैं सोच रहा हूं कबूतरों को थोड़ा खाना खिला दूं, हो सकता है उससे मेरी रिकवरी थोड़ी तेज हो जाए। तो है यहाँ पे, मतलब यहाँ हर जगह कबूतरों को खाना मिलता ही है, मतलब बहुत सारे कबूतर हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत कबूतर है ना, यहाँ भी बहुत कबूतर है, पर यहाँ असली वाले वो नकली हैं। तो अब कबूतरों को खाना खिलाते हैं। भाई फाइनली आए हैं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। बताओ कहाँ था तू इतनी देर से? अरे ऑर्डर देना है, ऑर्डर देना है। कहाँ गए तो? मतलब मेरे को यहाँ का खाना बड़ा पसंद है, राधिका करके कोई जगह है। तो क्या स्टोरी है इनकी? स्टोरी ये है भैया कि इन्होंने सन 2009 में घर से चालू किया था, किचन से। वहाँ ये इडली फिरू बेचते थे। फिर इडली फिरू से इन्होंने धीरे धीरे अपने उसमें फ्लैट में ही 4 टेबल लगाई। वहाँ पे फिर क्लाइंट आने लगे, गेस्ट आने लगे, फिर वहाँ से शुरू किया। फिर इन्होंने IIM कैंपस के अंदर एक वो किया शुरू, ठीक है, छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया जो अभी भी है। फिर धीरे धीरे CG रोड पे, प्रहलाद नगर में, ड्राइव इन पे, यहाँ पे, और अभी बोलता हूँ। अभी ये बताओ अगर इसकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो क्या करना है? अभी फ्रेंचाइजी पे हम काम कर रहे हैं। मतलब सच में खाना बड़ा अच्छा है? हाँ, अभी ये कुछ पेड़ प्रमोशन नहीं है अगर किसी को लग रहा हो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी फ्रेंचाइजी पे हम काम कर रहे हैं। एक डेढ़ साल हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेंचाइजी अगर लेनी है तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा और सारा मैनेजमेंट हमारा रहेगा, लोग हमारे रहेंगे, टीम हमारी रहेगी। आपको कुछ 9 या 10% अगर मैं इसकी रील और यूट्यूब वीडियो डालूंगा पहले तो पैसे तो मिलेंगे ना मुझे, मतलब जब प्रमोशन करेंगे। मतलब मैं काम धंधा भाई पहले से थोड़ा बता के रखता हूँ ना, कहीं क्या पता माड़े दिन आ जाए भाई। अरे नहीं नहीं भैया, आप बोलोगे ऐसा ऐसा तो मैं भी इंस्टाग्राम पे आपकी तरह छोटी मोटी रील्स बनाता रहता हूँ शायरी की। मैं तो सेल्स और ऑपरेशन देख। चलो फिर इसी बात पे शायरी सुनो। शायरी तो शायरी मैं अभी 2 मिनट दूंगी उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, लाइन पे ही है हम, 2 मिनट सुनाओ, फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे ना। आपके लिए बनाता हूँ, 2 मिनट दीजिए, सिर्फ स्पेशल आपके लिए बनाता हूँ। चलो भाई इसको लेके यहाँ बैठ जा, चलो दोनों भाई शायरी शायरी खेलेंगे। बैठ जा, बैठ जा, आराम से लेके बैठ जा। इसको एक बार रोक दो, वीडियो को रोक। अरे नहीं चलने दो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलो चलो, आप आए तो हमारा दिल खुश हुआ। लोग आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, पर तीसरी चौथी बार मिले ना भाई हम, वो एक दिन पहले मिले थे। आप आते, मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि रजत भैया आए थे, और अपना कनेक्ट कहीं ना कहीं वो दिल्ली वाला भी है क्योंकि हमेशा आपको देखते रहते हैं। तो उसमें हाँ वो छोड़ो, आप बोलो भाई रख दे। तो भैया ये है कि अब मैं तो कंफ्यूज हो गया सच में, ऐसे क्या करते हो आपके साथ बैठा, आप तो शायरी करते हो ना। नहीं नहीं, एक तो आपके साथ बैठा हूं। चलो मैं ट्राई मारता हूं, एक लाइन बोलो, कुछ भी एक लाइन बोल दे, कुछ भी बोल दो जो आपके। अच्छा भैया, भैया से शुरू करता हूँ, नहीं पापा के ऊपर सुनाता हूँ। चलो अरे मेरे को एक लाइन दो, मैं बताता हूँ शायरी। चलो देखी जाएगी। हाँ। नहीं बनी तो साला क्या। नहीं नहीं, आपके लिए पापा के लिए बनाता हूँ जो शायरी सुनाता हूँ कि बिना पापा के जिंदगी ऐसे होती है जैसे बिना छत के मकान होता है। बिना पापा के जिंदगी ऐसे होती है जैसे बिना छत के मकान होता है, और जिस मकान पर छत होती है उसे क्या मालूम क्या आंधी और क्या तूफान होता है। चलो ठीक है, इसकी पहली लाइन क्या थी? बिना पापा के जिंदगी ऐसे होती है जैसे बिना छत के मकान होता है। बिना पापा की जिंदगी ऐसी होती है जैसे बिना छत के मकान होता है। बिना पापा की जिंदगी ऐसी होती है जैसे बिना छत के मकान होता है, और जिस मकान पर छत। ना 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 आगे सुनो।
बिना पापा के जिंदगी ऐसी होती है जैसे बिना छत के मकान होता है, पूरे दिन काम तेरे माँ बाप करते हैं और भूसड़ी के तो बिना बात में रोता है। क्या बात है ये भी काम चलती है ना जोरदार जोरदार भैया। तो अब भैया मेरे को लाइन देंगे, उसमें मैं चार लाइनों की शायरी बनाऊंगा। चलो बताओ। बड़े भाई का साथ अगर साथ होता है तो ऐसे लगता है कि साथ में कोई तूफान है। बड़े भाई का साथ होता है तो साथ में ऐसे लगता है कि साथ में ऐसे लगता है कोई तूफान होता है। मेहनत करूं मैं, खुश रहे मेरा घर, ये सब का अरमान होता है। हमारे काम करने से माँ बाप का भी नाम होता है। हमारे तो अब ये ऐसा बन गया है, बड़े भाई के होने से ऐसा होता, है जैसे कोई तूफान होता है। काम मैं करूं, खुश रहे मेरा घर, ये सब का अरमान होता है। आ गया ना। हम अच्छे से काम करते हैं तो नाम हमारे हमारे बापा माँ बाप का भी नाम होता है। माँ बाप का भी नाम होता है। दुखी हो जो कोई अपना, दर्द उनको होता है। कर रहा हूँ मैं, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। चलो दो एक। मैं आपको ना मेरा पेज ही खोल रहा, मुझे याद भी आ जाएगी। हाँ चलो खोल लो भैया। अरे इससे तो वीडियो बन रही है। मेरा फोन। अब इसको बंद कर लो। कर लो कर लो, उसको रोक लो। तो अब मैंने ये नॉर्मल पेज खोल लिया, ठीक है। मेरे को एक लाइन दो, मैं बनाता हूँ शायद। बोलो। ये दुनिया बस दिखावे की तरह, दिखावे से चलती है। बस शुक्र। ये दुनिया बस दिखावे से चलती है। तो मेरे को बनाने दो। दिखावे से चलती है। ये जितना अब रुको मत, अब कुछ मत बोलो, मैं बनाऊंगा। अभी से बंद करो, मैंने बना ली। अब सुनिए पूरी। ये दुनिया बस दिखावे से चलती है, कामयाब होगे तुम पर वो जलती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो, कमाते रहो नाम, बहन के लोड़े बोलेंगे, बोलने दो, यही है उनका काम। जब ऊपर पहुंच जाओगे, खुशी का होगा एहसास, तुम्हारे पास होगा सब और उनके पास झटका वाला। एक और बनाते हैं, ये मजा आ रहा है मेरे को, इसमें स्वाद आ रहा है। बंद कर, चलने दो, चलने दे, चलने दे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली लाइन बताओ। अगली लाइन बताओ उसको। फन आ रहा है तो मैं, यहाँ तो रोज आया करूंगा मैं। इसमें क्या, इसमें क्या बना, इसमें बना कर मैं शायद कहीं तो डोगो। अरे ऐसी बोल, तो मैं ऐसी बना दूंगा कि भैया मुझे कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं हमेशा आपको याद कर लेता हूं। मुझे कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी कोई दिक्कत होती है तो हमेशा आपको याद कर लेता हूं, तो आपको याद कर लेता हूं। बना दी इतनी जल्दी मैंने। मुझे कभी कोई दिक्कत होती है तो आपको याद कर लेता हूँ, दुख होता है आपको तो मन अपना भर लेता हूँ। आजकल बस मतलब के हैं रिश्ते, किसी के मन में नहीं है प्यार, पीछे देते हैं गाली, सामने बोलते हैं आगे। दुनिया को छोड़ो, अपनों पे दो ध्यान, काम करो तुम बड़े उनका मान। चलो आपको आज के लिए बहुत है। अगर मैकडी खुला होगा तो मैं कुछ लोगों के लिए खाना ले लूंगा। वैसे तो लोग सो रहे होंगे पर सुबह उठने वाले हैं, तो मेरे पार्ट का काम मैं कर दूंगा। और क्या था, और ये था कि मैंने मेरे पुराने कोच के साथ काम कर दिया है शुरू। अरे तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, इन दोनों के, तुम दोनों के चश्मे क्यों लग गए? यस भाई, तुम ही, तुमसे ही पूछ रहा हूं। खाने में आयरन नहीं खाते थे क्या? आता हूं नीचे, आई विल हेल्प यू इन योर न्यूट्रिशन। तो भाई मैकडॉनल्ड्स बंद है फिलहाल, तो आज का हमारा व्लॉग यहीं खत्म होता है। दो तीन दिन, चार पांच जो भी थे, एक्टिव था नहीं, क्योंकि भाई तगड़े क्लासेस की ना सारी वीडियोस रिव्यू करनी थी डेली बेसिस पे। अगर मेरे पार्ट पे कुछ रह जाता है तो वो वीडियो अपलोड नहीं होती, और देखना पड़ता है कि गलत कुछ ना चला जाए, क्योंकि अगर इतने लोग देख रहे हैं तो उनको कुछ गलत सिखाया ना जाए, जो भी चीज़ें हो उनमें कुछ कमियां ना हो।
तो इस चक्कर में भाई मैं अवेलेबल था नहीं। कोशिश करूंगा जितनी कि अवेलेबल रह पाऊं पूरा प्रॉपर। मन मार के ना चीजें होती नहीं है कि खाना पूर्ति के तौर पे मैं कुछ भी डाल दूं। मजा तभी आता है जब इंसान खुशी के साथ कुछ काम करता है। तो सारे भाइयों को भाई राम राम। आज का व्लॉग होता है यहीं खत्म। मिलते हैं कल। तगड़े होने पे ध्यान दो।